हाँ तो बच्चों, आज हमारा दूसरा पार्ट है वर्ण विचार, फोनोलॉजी। जैसे कि हमें पता ही चलता है, फोनोलॉजी फोन मीन्स आवाज़ से, ध्वनि से इसका लेना देना। तो वर्ण क्या होती है, सबसे पहले पाठ में वर्णों को कैसे बताया गया है उसको चलते हैं। जैसे कि ये एक वाक्य है, आज काजल गाना गाएगी, ये एक वाक्य है। तो वाक्य जो है किस किस शब्दों से बना है, तो हमने देखा कि ये वाक्य चार शब्दों से बना है, आज काजल गाना और गाएगी, तो ये चार शब्द से। तो इसको हम लोग कैसे समझाया है, समझते हैं। आज जम्मा काजल, जम्मा गाना, जम्मा गाएगी। तो इस वाक्य के हमने अलग अलग टुकड़े किए हैं या खंड किए हैं, क्या किए हैं, इसके अलग अलग टुकड़े किए हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसके अलग अलग खंड किए हैं। और ये जो टुकड़े हैं ये हैं शब्द। क्या हम इन शब्दों के भी फिर खंड कर सकते हैं और छोटे टुकड़े कर सकते हैं? तो हम आज हम देखते हैं आज आज का कैसे वर्ण विच्छेदन कहा जाता है, टुकड़े करना। जैसे आज में हमने क्या देखा, हमने आज में देखा कि हमने आज में देखा तो आज लिखा है इसमें आ जमा ज, ज एक व्यंजन है हम लोग जानते हैं, और ज के नीचे जो हल का चिन्ह बना हुआ है वह बताता है कि यह अधूरा है। और व्यंजन हम जानते ही हैं स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, अ की सहायता। तो आ जमा ज जमा अ, ये मिलके बना आज। फिर काजल कैसे लिखा है, क हलंत जमा आ जमा ज, ये काजल के लिए लिखा है। उसी तरह हम लोग गाना के लिए लिखा है, ग हलंत जमा आ जमा न हलंत जमा आ। तो ये शब्दों का जो है, शब्द को हम वर्ण में विच्छेदन कर रहे हैं और वर्ण के ही शब्दों की रचना करते हैं। और गाएगी, गाएगी में कैसे लिखा है, ग हलंत आ जमा ए जमा ग हलंत जमा बड़ी ई। अब इससे ज़्यादा इन शब्द के टुकड़े नहीं किए जा सकते या खंड नहीं किए जा सकते। तो ये जो छोटे छोटे जो हैं वर्ण, वर्ण वर्ण क्या होते हैं, ये ध्वनियाँ का लिखित रूप होता है। तो लिखित रूप को वर्ण बोलते हैं या अक्षर बोलते हैं। तो हमने क्या देखा कि हमने क्या सीखा कि वाक्य शब्दों से बने होते हैं और शब्द वर्णों से बने होते हैं। तो वर्ण क्या हुआ, वर्ण की परिभाषा पे आ जाते हैं हम लोग। वर्ण शब्द की वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि है जिसके खंड नहीं किए जा सकते। तो ये हमारी परिभाषा है, किसके, वर्ण की परिभाषा है, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं वर्ण किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा, वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि है जिसके खंड नहीं किए जा सकते। तो एक इस पाठ में हमारा ये पहली परिभाषा है। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला क्या होता है, वर्ण तो आ गया हमें, वर्णमाला जो क्रमबद्ध तरीके से जब वर्ण लिखे जाते हैं वर्ण, उसको वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों ही होते हैं।
तो वर्णों के भेद पे आ जाते हैं। वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। स्वर की परिभाषा भी है हमारे, इससे पहले तक स्वर की परिभाषा नहीं थी, क्लास फोर्थ तक, क्लास फिफ्थ में यही नया है, इनकी परिभाषा दे दी गई है। तो क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण के सहायता के बिना किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वर पूर्णतः स्वतंत्र हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं, अ आ इ ई उ ऊ रि ए ए ओ औ। तो ये थे हमारे हिंदी के 11 स्वर। तो फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं वर्ण होते क्या हैं। वर्ण वो छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। मैंने आपको बताया भी था वर्ण क्या होता है, मुंह से निकलने वाली ध्वनि, और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। हिंदी में वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, व्यंजन बोलते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो उच्चारण की दृष्टि से स्वर पूर्णतः स्वतंत्र हैं, ये किसी पर निर्भर नहीं है। लेकिन व्यंजन हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं। तो ये आगे चलते हैं, ये है हमारे व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन स्वर पर आश्रित हैं, आश्रित मतलब निर्भर हैं, जहाँ हमें उनकी मदद चाहिए। किनकी? स्वर की। सामान्यतः इनके उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। हिंदी में कुल 33 व्यंजन हैं। अभी की एक बात है कि कुल सब इनके उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है, जैसा कि हमने वर्ण विच्छेदन में कर रखा था ऊपर। जैसे क क हल, ये व्यंजन है। ये क्या है? व्यंजन। और इसमें हम किसके मदद से बोलते हैं? अ के मदद से। अ एक स्वर है, तब हम किसकी रचना करते हैं? क की। तो यहाँ हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जा सकते हैं। अगर शुद्ध रूप में व्यंजन लिखना पड़े तो हमें हलंत का चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे यहाँ उदाहरण में हमने क्या किया, हमने क व्यंजन कैसे लिखा? हलंत का प्रयोग लगा के, और जब उसके साथ स्वर अ मिला तब वह पूरी तरह से क लिखा आया। तो आगे चलते हैं, हमने अपना व्यंजन पढ़ रखा है बच्चों, इसको एक बार। अब तक हम लोगों ने क ख ग घ लिखा था बिना हलंत के साथ। आज हमें ज्ञान हुआ, क्या चीज़ ज्ञान हुआ? इससे पहले क्लास फोर्थ तक हम लोग क्या करते थे? क ख ग घ लिखते थे और उसको व्यंजन मानते थे और व्यंजन बोलते भी थे। लेकिन शुद्ध रूप में व्यंजन कैसे लिखा जाता है? हलंत के चिन्ह के साथ। क्योंकि अगर हम शुद्ध क लिखते हैं, जैसे ये, यह व्यंजन नहीं है। कारण? कारण कि इसमें हलंत नहीं लगा है, ये
स्वर और व्यंजन दोनों के मेल से बना है, इसीलिए यह व्यंजन की परिभाषा में नहीं आएगा। तो ये आज हमने सीखा कि व्यंजन, शुद्ध व्यंजन लिखते समय हमें हलंत का निशान इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि हम व्यंजन बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोल सकते, तो लिखते समय हमें हलंत का निशान लगाना पड़ता है। तो शुद्ध व्यंजन को इस तरह लिखा जाएगा, हाँ किस तरह लिखा जाएगा, शुद्ध व्यंजन क हलंत के साथ लिखा जाएगा। तो यही था हमारा व्यंजन। तो हम इसका इनको याद एक बार फिर से पढ़ लेते हैं जो हमने बहुत बार पढ़ रखा है। क ख ग घ ङ च छ ज झ या ट ठ ड ढ ढ ढ ढ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं, इसमें बहुत त्रुटि होती है। श शहद वाला श श श स ह। तो बच्चों ये था हमारा वर्णमाला। और ये हलंत का क्यों चिन्ह लगाया ये अब आप जान गए कि शुद्ध व्यंजन हलंत के साथ ही लिखे जाते हैं। अभी तक हमने जो व्यंजन लिखे थे क्लास फोर्थ तक वो स्वर के साथ लगा के लिखे थे। तो आगे चलते हैं। तो मूल रूप से सभी व्यंजन हलंत हैं किंतु अ के संयोग से इनका रूप क ख ग आदि होता है। एक हमारे लिए नई चीज़ थी अभी कि अगर हमें शुद्ध रूप से व्यंजन लिखने के लिए कहा जाएगा तो हम हलंत का प्रयोग जरूर करेंगे। फिर अब आ जाते हैं दो व्यंजन के भी मेल से अक्षर बनते हैं। दो व्यंजनों को मिलाकर हम लोग जो अक्षर बनाते हैं उनको संयुक्ताक्षर बोलते हैं, संयुक्त अक्षर। और ये शब्द मिला के क्या बनाएगा, संयुक्ताक्षर। जैसे क हलंत श श क्षत्रिय, क्षत्रिय का किन दो व्यंजनों को मिला के बना है, ध्यान दो बच्चों, क हलंत जमा श। तो इसको इसका उच्चारण क्या होता है, क्षत्रिय क्षत्रिय। जरा ध्यान से सुनो इसको, ये संयुक्ताक्षर है, कई बच्चे इसमें गलती करते हैं। क हलंत जमा श, क हलंत क्या है हम जानते हैं, एक व्यंजन है। श क्या है, एक व्यंजन है। इन दोनों के मेल से श बना है जिससे क्षत्रिय शब्द बनता है। तो श क्षत्रिय का श दो है वो संयुक्ताक्षर है, दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले को संयुक्ताक्षर कहते हैं। अक्षर को दो मेल के, दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले अक्षर को संयुक्ताक्षर कहते हैं। तो हमारा दूसरा संयुक्ताक्षर है त्र। त्र है त हलंत जमा र, त्र। तो ये है, त्र भी एक संयुक्ताक्षर है।
अब आगे चलते हैं, एक और ज्ञा जो शब्द है वो भी संयुक्ताक्षर है, यानी ज्ञान ए वाली जो शब्द हैं ये किस किस किससे बना है, कौन कौन से दो व्यंजन हैं, ज हलंत जमा या, तो बना ज्ञा। शब्द क्या बनाते हैं, ज्ञानी, ज्ञान, ज्ञानेंद्री। तो ये था संयुक्ताक्षर। तो हम आज ये जानें कि दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले अक्षर को संयुक्ताक्षर कहते हैं, और ये तीन जो हैं ये हमारे संयुक्ताक्षर हैं। हाँ, तो अब आ जाते हैं मात्राएं। हम हिंदी भाषा में स्वरों का प्रयोग दो रूप से करते हैं, पहला है मूल रूप में, मतलब स्वतंत्र रूप से, हम लोग स्वर को स्वतंत्र रूप से भी शब्द बनाने में लिख सकते हैं, और दूसरा रूप होता है मात्रा के रूप में, मात्रा के रूप में। जैसे आ की मात्रा क्या होती है, खड़ी पाई। तो जब हम शब्द लिखते हैं और आ की मात्रा खड़ी पाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो ये मेल से मात्रा, तो स्वर का प्रयोग दो रूप से होता है, मूल रूप से बिना किसी सहायता के और किसी के सहायता के साथ, व्यंजनों के साथ। इसका हमने दो समझ लिया, जैसे मूल रूप का है आई, ईक, औरत, इसमें स्वर का हम लोग स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर रहे हैं, और जब हम व्यंजनों की सहायता से लिखते हैं तो मात्राओं के रूप में रखते हैं, जैसे सूखा, स एक व्यंजन है, इसमें बड़ा उ लिखा गया है, और ख एक व्यंजन है, इसमें आ का प्रयोग मात्रा के रूप में किया गया। तो आज हमने क्या सीखा, स्वर का प्रयोग दो तरह से होता है हिंदी में, एक मूल रूप में और दूसरा व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में। अब ये मात्रा क्या होती है, तो मात्राएं एक तरह से क्या है, ये ध्वनि चिन्ह है। तो इनकी व्यंजनों के साथ मिलाते समय स्वरों के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जब हम शब्द लिखते हैं बच्चों तो व्यंजनों के साथ स्वरों के चिन्ह लिखे जाते हैं, इन चिन्ह को ही मात्रा कहा जाता है, स्वरों के चिन्ह को ही मात्रा कहा जाता है। प्रत्येक स्वर की मात्रा अलग होती है, हर स्वर की मात्रा अलग होती है, अ की कोई मात्रा नहीं होती, ये जरा सबसे हट के है। अ एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। तो हम फिर से इसको एक बार देख लेते हैं, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या इम्पॉर्टेंट है, ये मात्रा क्या होती है। तो व्यंजनों के साथ मिलाते समय स्वरों के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, स्वर हम चिन्ह के रूप में लिखते हैं, सिंबल, और इन चिन्ह को ही हम लोग मात्रा कहते हैं, इन चिन्ह को ही हम लोग क्या कहते हैं, मात्रा। और जैसा हम जानते हैं हर स्वर की अलग मात्रा होती है, और एक विरोधाभास है, अ की कोई मात्रा होती ही नहीं है। तो इसीलिए हम व्यंजन में हमने देखा कि हम लोग व्यंजन स्वरों की ही सहायता से बोलते हैं, मुख्यतः अ। अब आ जाते हैं कैसे स्वर शब्द बनाने में मदद करते हैं। पहला है अ, इसकी मात्रा लिखी नहीं जाती बच्चों, अ की कोई मात्रा लिखित रूप में नहीं होती, और जब क के नीचे
हलंत लगा के अ करें तब ये क बनता है। कमल, कलम, कमला, ये सब उदाहरण है। तो अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ पे चलते हैं, आ की मात्रा है खड़ी पाई। क हलंत जमा आ का से बनने वाले शब्द काला, कान, ये सारे शब्द आ की मात्रा से बने हैं। छोटी ई ये बाएं तरफ से लगती है, किसी व्यंजन के साथ बाईं तरफ से लगती है। जैसे क के साथ हम लोग शब्द निर्माण कर रहे हैं, क हलंत छोटी ई की, किसान उदाहरण है। उसी तरह बड़ी ई पे चलते हैं, ये बाईं तरफ से लगती है, व्यंजन के बाईं तरफ से लगती है। क हलंत बड़ी ई की कीट, कील। ये था हमारा बड़ी ई से शब्दों की रचना। अगला स्वर है ओ। क हलंत जमा ओ को, कुल। तो ये कैसे शब्द का निर्माण करता है, कुल, कुमार, इस तरह के शब्द बनते हैं। बड़ा उ, इसकी मात्रा ध्यान से देखो बच्चों, क हलंत बड़ा उ कु, कुल। शब्दों का निर्माण देखते जाओ। री, री हमने अभी देखा था, री का की मात्रा नीचे लगती है और क के साथ क हलंत री क्री, कृपाण, कृपा, कृपया, कृष्ण, ये सब री मात्रा से बने शब्द हैं। छोटा ए, क हलंत ए के से केला आदि शब्दों की रचना होती है। अगला है हमारा ए, क जमा क हलंत जमा ए कै, कैद, कैदी, कैसा, ऐसे शब्द ए से बनते हैं। उसी तरह हम आ जाते हैं ओ, क हलंत ओ को बनाता है, कोना आदि शब्द बनते हैं। ओ से क हलंत ओ को, कौन। तो इस में सबसे आपको एक गृह कार्य देते हैं, इसमें स्वर और उनकी मात्राएं लिखनी होंगी आपको। जैसा कि हम लोग अभी कर भी रहे हैं, बुक अवेलेबल है नहीं बहुत बच्चों के पास, तो क्या करना है, एक नोटबुक बना लेनी है और उसमें इसकी जो मैंने परिभाषाएं बताई वो लिखनी है। कौन कौन सी परिभाषाएं मैंने बताई हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। तो कौन कौन सा आज का काम है, वर्ण की परिभाषा, या वर्ण किसे कहते हैं, क्या बोलेंगे, वर्ण की परिभाषा लिखो या वर्ण किसे कहते हैं। तो यही है, हम पुस्तक की परिभाषा लिखेंगे। उसके बाद दूसरी परिभाषा हुई हमारी वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो ये था हमारा दूसरी परिभाषा। उसके बाद वर्णों के कितने भेद होते हैं, हिंदी में वर्णों के दो भेद होते हैं,
स्वर और व्यंजन। तो भेद हो गए, वर्णों के भेद। उसके बाद इनकी परिभाषा नहीं लिखते हैं, स्वर और व्यंजन की छोड़ दो। उसके बाद हम लोग वर्णमाला लिखेंगे, 11 स्वर और 33 व्यंजन। और व्यंजन लिखते समय बच्चों ध्यान दीजिएगा कि हम शुद्ध व्यंजन लिखेंगे हलंत के साथ। किसके साथ लिखेंगे व्यंजन? हलंत के साथ। तो ये था हमारा आज का काम। एक और परिभाषा बच रही है, ये है हमारी मात्रा किसे कहते हैं। तो मात्रा है व्यंजन के साथ मिलाते समय स्वरों के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों को ही मात्रा कहा जाता है। प्रत्येक स्वर की मात्रा अलग होती है। तो ये है हमारी परिभाषा। परिभाषा में आप यहीं तक लिखिए, व्यंजनों के साथ मिलाते समय स्वरों के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं चिन्हों को ही मात्रा कहा जाता है। यहीं तक। उसके बाद लिखित रूप में आज यही काम करना है, ये वाला भी करना है, स्वर और उसकी मात्राएं लिखनी है आपको। पहली सूची जो बनेगी स्वर की, और उसके बगल में हम लोग उसकी मात्रा लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारे अब आ जाते हैं हम लोग आ जाते हैं र। कुछ और भी मात्राएं हैं, जैसे र जो है अगर उ में हम लोग लगाते हैं तो छोटा उ रू बनाता है, छोटा उ। और बड़ा उ में कौन सी मात्रा लग रही है? बड़े उ में की मात्रा हमें पता चल गई, इसको लिख के ही दिखाते हैं। उ की मात्रा जो है छोटा उ इस तरह, बड़ा उ इस तरह। तो जब ये उ में लगती हैं तब कैसे लिखेंगे इनको? जैसे र हलंत और छोटा ओ, तो ये क्या बनाएगा? रू। र में इस तरह लगेगा। ये है जब र हलंत छोटा ओ, तब रू। इस रू से क्या बनता है? रुपया, रुई। बुक में भी जो उदाहरण दिया है। अब आ जाते हैं बड़ा ऊ जब र के साथ लगता है तो उसकी मात्रा किस तरह लिखी जाती है? तो इसमें हुआ र हलंत जमा बड़ा ऊ, हमने बताया था बड़ा ऊ, तो क्या लिखा जाएगा? रू। बच्चों देखो इसको कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखेंगे। तो ये था छोटा उ और बड़ा उ र के साथ लिखते समय ये मात्रा इसी तरह इस्तेमाल की जाती है। जब हम र व्यंजन के साथ मात्रा लगाते हैं किसकी? छोटा उ और बड़ा उ। तो ये खास तरीका था इसके साथ लिखने का, र के साथ में। अब आ जाते हैं इसके अलावा भी ध्वनियाँ हैं। जब हम ध्वनियों की बात ही कर रहे हैं, वर्णों की बात ही कर रहे हैं, स्वरों की बात भी कर रहे हैं, तो कुछ ध्वनियाँ हैं उसको भी हम लोग
देख लेते हैं। ये है अनुस्वार विसर्ग और अनुनासिक की। तो ये भी अन्य ध्वनियाँ हैं, और इस ध्वनियाँ के अलावा आज हमने क्या पढ़ा, और कौन सी ध्वनियाँ थी? ये ध्वनियाँ मतलब वर्ण, वर्ण मतलब दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं, व्यंजन स्वरों के साथ बोली जाती हैं, और मात्रा स्वरों का ही लिखित रूप होता है। शब्द बनाते समय हम स्वर का लिखित रूप मात्रा लिखते हैं। स्वर भी दो रूप से प्रयोग होते हैं, एक होता है मूल रूप से, स्वतंत्र रूप से बिना किसी व्यंजन की सहायता से भी, जैसे आई, ईक, ऊन, और व्यंजनों के साथ मेल खा के भी मात्रा के साथ लिखी जाती है। तो ये था आज का हमारा, बच्चों ध्वनियों के बारे में, मात्राओं के बारे में हमने संयुक्ताक्षर भी सीखा। अब कुछ ध्वनियाँ जो बच गई हैं उनको हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।